नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका इस वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बैक पैनल किस तरीके से हटाया जाता है। वीडियो स्टेप बाय स्टेप देखते रहिएगा। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों, हमने देखा कॉर्नर साइड पर ब्लेड टच करके अंदर हल्का सा लगा देना है और उसके बाद हीटिंग का यूज़ करके 11D पेपर या सुपर पेपर की मदद से हल्का सा टच करना है। फिर उसके बाद दोबारा हीटिंग का यूज़ करना है और ब्लेड निकल जाती है तो दोबारा से ब्लेड को हल्का सा टच करना है। अगर आपका पैनल शीशे का है या प्लास्टिक का है तो डैमेज होने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। दोस्तों, ये हम 11D पेपर की सहायता से हल्का हल्का रिमूव कर रहे हैं और जहाँ हमें टाइट लगता है उधर दोबारा हीटिंग का यूज़ करके हम इसको हटाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, ये देखिए कितनी आसान, और याद रखिएगा एक जगह हीटिंग मत लगाइएगा, चारों तरफ हल्का हल्का हीटिंग का यूज़ कीजिएगा। देखिए बहुत ही आसान तरीके से ये पैनल इसका निकल रहा है, प्लास्टिक टाइप का ये, और ये चारों तरफ हल्का हल्का घुमा देना। आपको जहाँ लगता है कि कस के पकड़ा हुआ है पैनल तो उधर दोबारा से हीटिंग का यूज़ करना है। दोस्तों, इस तरीके से हीटिंग ज़्यादा यूज़ नहीं होगी। देखिए दोस्तों, बहुत ही आसान तरीके से हम इसका पैनल हटा रहे हैं चारों तरफ हल्का हल्का। अगर ये पेपर हल्का सा पतला लगे तो हल्का मोटा पेपर यूज़ कीजिएगा, सुपर एक्स टाइप का। ये देखिए बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से हमने बैक पैनल हटाया है। दोस्तों, वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमें कमेंट करके बताइएगा।